अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं गुफरान बिन याकूब कासमी। आज बताइए 13 जुलाई 2022 बरोज़ बुध। मौलाना सलमान नदवी ने आज से 2 साल पहले एक बयान दिया था, उसमें बताया था कि कुर्बानी 13 ज़िलहिज्जा तक कर सकते हैं। तब इन्होंने ये नहीं कहा था 30 ज़िलहिज्जा तक। और इस साल यानी आज से 8-10 दिन पहले बयान दिया, उसमें बताया कि 30 ज़िलहिज्जा तक यानी 20 दिन कुर्बानी कर सकते हैं। और अनभक्तों का क्या मामला? अनभक्त बोलते हैं इसीलिए कि अंधी तकलीफ करना। जैसे हजरत ने पिछले साल पहले बयान दिया 13 ज़िलहिज्जा तक, अंधभक्त कह रहे हैं हमारे हजरत हजरत होते हैं, तुम लोग जानते ही नहीं हो। और इस साल बताया कि 30 ज़िलहिज्जा तक कुर्बानी कर सकते हैं, अनभक्त कहेंगे बस हमारे हजरत ठीक है, हजरत ने बहुत बढ़िया बयान किया, बहुत बढ़िया मतलब दलील दी है, 30 ज़िलहिज्जा तक कर सकते हैं कुर्बानी। और अब अगले साल देखो, पूरा साल ना कहने कि पूरा साल कुर्बानी कर सकते हैं। खैर, मैं इस पर तबसरा करूँ, मुनासिब नहीं कि मैं तबसरा करूँ, क्योंकि अभी अनभक्त कमेंट में कहने लगेंगे लो हमारे हजरत कहाँ थे और तुम कहाँ हो, और आकर के बोलने लगे हमारे हजरत के शान में गुस्ताखी करने लगे। मैं चाहता हूँ एक बहुत बड़े आलिम का तबसरा आपके सामने पेश किया जाए, जिनका नाम है हज़रत मौलाना फुज़ैल नासिरी साहब दामत बरकातहू अलैहिया। उनके चैनल पर भी अपलोड है, मैं इसको अपने दूसरे चैनल पर भी अपलोड कर रहा हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप क्लिक करें और फौरन उनके चैनल पर पहुँच जाएंगे, मेरे दूसरे चैनल पर पहुँच जाएंगे, वहाँ से आप जाकर के पूरा मुकम्मल तबसरा सुन सकते हैं, आपके दिल को तसल्ली भी मिलेगी सुन करके, बहुत अच्छा तबसरा उन्होंने किया है। नाज़रीन इकराम, इससे मुताल्लिक आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर रोज़ हालात हाजिरा पर मुख्तसर न्यूज़ के लिए कम वक्त में बड़ी खबर पाने के लिए हमारा चैनल गुफरान बिन याकूब कासमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।